नमस्कार आदाब श्रस्ती अकाल, मैं हूं आपके साथ रागेश और आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज़। और सीधे आपके साथ कनेक्शन करते हैं टेलीविजन दुनिया की ओर। बिग बॉस के घर में लड़ाई झगड़ा ना हो तब तक मजा नहीं आता। पूरे एपिसोड में देखो, अगर लड़ाई ना हो तो फिर शो की टीआरपी बढ़ेगी कैसे। इसलिए कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े तो जरूरी हैं ही। और इन दिनों सबसे बड़ी लड़ाई है आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला की। धक्का मुक्की आंख नोचनी तक की बात हो गई है दोनों के बीच में। जब सिद्धार्थ और आसिम घर में आए थे तब दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी और पक्की थी कि हर जगह इन दोनों की दोस्ती की बात होती थी। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करने लगी थी इन दोनों की दोस्ती। लेकिन एक दिन अचानक से दोनों के बीच टास्क के दौरान बहस हुई और दोनों की लड़ाई हुई। दोनों में रोहित शेट्टी ने सुलह भी करवा दी थी। उसके बाद भी दोनों लड़े और हाल ही में फिर से टास्क के दौरान इतने लड़ लिए कि इन्हें कन्फेशन रूम में बुलाया गया, जहां सिद्धार्थ ने कहा कि वे ये शो छोड़ देंगे। पर इन सब के बीच इंटरेस्टिंग बात यह है कि आसिम शुरुआत में गेम इतना मजबूती से नहीं खेल रहे थे। फिर उन्होंने अपने गेम में बदलाव किया, मजबूती से गेम खेला और बड़ा बदलाव तब देखने को मिला जब आसिम सिद्धार्थ के सामने खड़े हुए। तभी से दर्शक उन्हें जानने लगे और सभी को लगने लगा कि आसिम जीत सकते हैं कहीं ना कहीं ये शो, क्योंकि सोशल मीडिया पर इन दिनों आसिम सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले कंटेस्टेंट बन गए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आसिम की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्यों आखिर आसिम की इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो बता दें, बिग बॉस ने अभी से आसिम को आसमान तक पहुंचा दिया है। बिग बॉस का फिनाले अभी तक आया नहीं और आसिम का फ्यूचर बिग बॉस ने ब्राइट कर दिया। बता दें, बिग बॉस कंटेस्टेंट आसिम रियाज को रियलिटी शो में बड़ा ब्रेक मिलने वाला है। रिपोर्ट्स हैं कि आसिम रियाज बिग बॉस हाउस में एक बॉलीवुड फिल्म साइन कर सकते हैं। इससे पहले बिग बॉस में आकर महेश भट्ट ने सनी लियोनी को अपनी फिल्म के लिए साइन किया था। खबरों के अनुसार आसिम बिग बॉस में एक बॉलीवुड फिल्म साइन करने वाले हैं। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले दिनों में मालूम पड़ ही जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आसिम रियाज के लिए इससे बड़ी खुशी कोई और हो ही नहीं सकती। साथ ही आसिम के फैंस के लिए भी ये खबर किसी ट्रिट से कम नहीं होगी। आसिम बिग बॉस में आने के बाद से लाइमलाइट में बने हुए हैं। बता दें, आसिम एक मॉडल थे और साथ ही कई टीवी एड्स और फिल्मों में छोटे रोल भी कर चुके हैं। लेकिन एक बात तो साफ हो गई, बिग बॉस में आने के बाद कोई भी कंटेस्टेंट खाली नहीं रहता। हर किसी के पास कुछ न कुछ प्रोजेक्ट रहता ही है जिसे कोई नहीं जानता। उन्हें सभी और पूरा देश जाने लगता है सिर्फ बिग बॉस की वजह से। इससे बड़ी कामयाबी तो कुछ हो ही नहीं सकती। खैर, आसिम की जो खबर सुनाई है उससे दर्शक भी खुश होंगे, साथ ही साथ आसिम के फैंस भी खुश होंगे। आपको क्या लगता है, आसिम को फिल्म मिलेगी? आसिम क्या असल में फिल्म साइन करेंगे और आसिम क्या फिल्मों के लायक है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ टैलेंटेड इंडिया न्यूज़। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।